कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अक्षय गांधी बम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अब नोटा की बात सामने आ रही है। देखिए, जिसे जाना था वो तो चला गया। कांग्रेस जैसी संस्था की पीठ में छुरा मार के गया, कोई बात नहीं, कई लोग गए, कोई फर्क पड़ता नहीं। पर ये इंदौर की पवित्र धरती माँ अहिल्या, जो न्याय के लिए पूरे देश और पूरे विश्व में जानी जाती है, वहाँ बीजेपी ने और अक्षय बम ने मिलकर अन्याय की नई परिभाषा लिखी है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इंदौर की जनता बहुत समझदार है, बुद्धिजीवी है, उन सब ने मन बना लिया है कि लोकतंत्र की हत्या की जो बात चल रही है वो इंदौर की धरती पे हम उन मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। हम नोटा जैसे एक विकल्प है उसको चुन के ये मठाधीशों को एक नई राह दिखाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका एक बयान सामने आया इमरती देवी को लेकर, उस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जीतू हमारे युवा नेता हैं, उनकी मंशा इस तरह की कभी भी नहीं होती है। महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, मेरे साथ तो काम कर रहे हैं, और कभी भी इस तरह की बात उसका अर्थ अलग तरीके से निकाल लिया जाता है। उनका ये कहना था कि इमरती देवी का समय चूक गया है, 3-4 चुनाव कंटिन्यू हारी हैं, तो अब उनके करने नहीं करने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी को कोई मदद मिलने वाली नहीं है, ये मतलब। कल एक कार्यक्रम था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, सुरेंद्र पटवा भी उनके साथ मौजूद थे। मंच से ही जब आचार संहिता के नियमों की बात आती है तो एक थाना प्रभारी को उस समय बोला जाता है कि ऐसे जहां पटकवाऊंगा देख लेना, बदतमीजी जैसे शब्द का भी। नहीं, ये तो एरोगेंसी और मदमस्त पूरी नरेंद्र मोदी से लेके शिवराज चौहान से लेके मोहन यादव तक ये मदमस्त हाथी हो चुके हैं। इसीलिए तो जनता इनको इस चुनाव में सबक सिखाएगी। तुम क्या भविष्यवक्ता हो गए कि ज्योतिषाचार्य हो गए? अब की बार 400 पार, किसी को कुछ भी बोल दोगे, किसी भी तरह का व्यवहार कर लोगे, ये देश की जनता देख रही है। वो कभी भी इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। जो लोग संविधान की शपथ लेने वालों को डराते हैं, जो लोग संविधान को खंडित करना चाहते हैं, देश की जनता अब ऊपर निकल चुकी है ये इन बातों से कि कोई भी दल आ जाए और हमें जेब अपनी जेब का वोट समझ ले, उन बातों से भारत की जनता ऊपर निकल चुकी है। अमित शाह जी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, क्या ये देश सरिया से चलेगा? हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो पर्सनल लॉ को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में वामपंथी की विचारधारा साफ नजर आती है। 10 साल से अमित शाह जी आपकी सरकार है, झूठ बयानबाजी करके देश को गुमराह नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, अमित शाह आप भी कर रहे हो, देश के गृह मंत्री हो। झूठा बयान करके किसी को भी हिंदू मुसलमान बना देना, मंदिर मस्जिद की बात कर लेना, 10 साल से आपकी सरकार है, आपको रोक कौन रहा? आप करिए ना, 10 साल में आपने लागू क्यों नहीं किया इन बातों को? सिर्फ चुनाव आता है तब ये पिटारे से निकालते हैं इस बात को। तो हम सरकार बनाएंगे तो समानता का अधिकार हो, इस बात की कोशिश करेंगे। मुझे कह रहे हैं कि हमने धारा 370 हटाई और वो कह रहे हैं कि हम की बहुमत के साथ आरक्षण और ये सब चीजों को समाप्त करना चाहते हैं, गुमराह कर रही कांग्रेस? बिल्कुल गुमराह नहीं कर रही है। जो जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है, उस वर्ग के लोग जो अधिकतम लोग जो चाहते हैं, बहुमत शब्द है, वो काम हमारी सरकार आने के बाद हम करेंगे और बहुमत के आगे झुकना ही चाहिए। जो उस वर्ग के लोग बोलेंगे वो काम करके देखेंगे। तो कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद जो है 95% को हमने खत्म कर दिया है, 10 सालों में आतंकवाद पूरी तरीके से रुक गया है। जगह जगह तो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जगह जगह लोग मारे जा रहे हैं, किस तरह का वातावरण बना हुआ है ये कहने की बात नहीं है। इस समय चाहे झारखंड हो, ये बात जरूर है कि भी एक बड़ा नक्सलाइट कैंप को ध्वस्त किया, लेकिन उन लोगों ने पहले कई हत्याएं कर दी छत्तीसगढ़ में, उसके बाद आप जागे हो, ये कहना गलत है कि बालाघाट जैसी जगह पे नक्सलाइट सर उभार रहे हैं वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं कि हमने ये खत्म कर दिया, हमने ये खत्म कर दिया, पर यथार्थ का धरातल बहुत कठोर।
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी कंफ्यूज हैं, आत्मविश्वास खो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का आज ये हाल है। नहीं नहीं, देखिए कैसे बोल सकते हो आप, मतलब वो चुनाव लड़े जहां से बीजेपी चाहती है तो वो आत्मविश्वास बल रहेगा, और वो वहां से नहीं लड़े। अब सोनिया जी की एक उम्र हो गई है, उनके बारे में नरेंद्र मोदी अमित शाह बोल रहे हैं, सोनिया जी पलायन कर रही हैं, तुम्हारे लाल कृष्ण आडवाणी को लड़ा दो भैया, मुरली मनोहर जोशी को लड़ा दो, सोनिया गांधी भी लड़ लेंगी, उम्र का एक पड़ाव। खुद ही नरेंद्र मोदी बार बार बोलते कि उम्र के एक पड़ाव के बाद सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए। सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में है, राज्यसभा से सांसद है, उन्हें चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी कह रही है 7 तारीख के पहले कुछ बड़ा होने वाला है, उमंग सिंगार को लेकर बार बार चर्चा चल रही है। देखिए उमंग सिंगार ने तो स्पष्ट कर दिया कि तुम सपने देखते रह जाओगे भाजपा के लोगों, तुम्हारे सपने में पूरे नहीं होने दूंगा, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी था और कांग्रेसी रहूंगा। ये असल में बात ये चल रही है, कैलाश एंड कंपनी इंदौर वाली, वो अपना बाहुबल दिखाने के लिए अक्षय बम को गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, नरोत्तम मिश्रा किसी को ग्वालियर चंबल में कुछ कर देते हैं। अब मोहन यादव को नंबर है, मोहन यादव अपना बाहुबल दिखाएंगे ऐसा मुझे लगता है, पर उमंग सिंगार ने ठोस बात करी है कि मुझ में कांग्रेस का खून में जाने वाली, पर ये बाहुबली सक्रिय हैं, इन्हें लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, संविधान से कोई मतलब नहीं, अपना बाहुबल प्रदेश और देश में दिखेगी, देखिए मैं उसको तोड़ के लाया। देखिए अब मोहन यादव की बारी मुझे लग रही है मुख्यमंत्री। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि 29 सीट में कांग्रेस इस वक्त में किस स्थिति में, क्योंकि अभी 2 चरण के चुनाव बाकी। देखिए 10 सीट हम बहुत मजबूत हैं, पूरा ग्वालियर चंबल संभाग आप उठा के देख लो, राजगढ़, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये 4 सीट हम बहुत दमदारी के साथ जीत रहे हैं। इधर आ जाइए खरगोन, एक सवाल, आसिक का जनाजा है बड़ा धूमधाम से निकालना, ये तो देखिए दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया, उन्होंने खुद आज उनका बयान है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा जनाजा मुस्लिम भाई बहनों का निकलता है, मैं हिंदू हूँ, मेरा जनाजा अमित शाह तुम नहीं निकाल पाओगे, मैं दूल्हा बन के एक बार फिर घोड़ी पे बैठ के विजय जुलूस निकालूंगा। हाँ सर, कुछ सीट के बारे में बता रहे थे आपने। हाँ, तो 10 सीटें हम बहुत मजबूत स्थिति में, 10 तो हैं, आगे भगवान की मर्जी और मतदाताओं का विवेक, क्योंकि जो लोकतंत्र की हत्या होते देख रहा है, संविधान को नष्ट होते देख रहा है, वो एकदम से निर्णय ले सकता है। 10 सीट तो मैं बता सकता हूँ, बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग ये हैं। इंदौर की बात है, इंदौर मेरा व्यक्तिगत मत इंदौर के बारे में है, मैं तो व्यक्तिगत मत मेरा ये है, व्यक्तिगत मत है मेरा, ये कांग्रेस का मत मैं नहीं बोल सकता इसको, मैं विवेकवान व्यक्ति हूँ, मेरा मत ये है कि जनता को इन बाहुबलियों को सबक सिखाना चाहिए कि जनमत बाहुबल से नहीं होता है, अपनी वाहवाही कराने से बहुमत तुम्हारी तरफ नहीं झुकेगा, ये माँ अहिल्या की नगरी है, न्याय की नगरी है, और यहाँ की जनता इस बार न्याय करके दिखाएगी, जो विश्व में उदाहरण बनेगा नोटा का। मंडला जीत रहे हैं आप? निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने दावा किया है कि 10 सीट पर इस वक्त कांग्रेस मजबूत है, और कहीं ना कहीं 29 सीट में से 10 सीट कांग्रेस जरूर जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।